हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं ICMR के बारे में और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण 10 सवालों के बारे में। इसको जानने के बाद आप ICMR में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज इस वीडियो में क्या है अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ICMR ही क्यों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने फेलोशिप्स होते हैं, क्या है उसका एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का डिटेल एनालिसिस किया गया है और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस टॉपिक क्या क्या है, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में और ICMR का सैंपल पेपर के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंतिम तक देखिए, क्योंकि हम देते हैं जानकारी अगले वीडियो का हर वीडियो के अंत में। सबसे पहला सवाल कि ICMR क्यों, इसके द्वारा आप किसी रिसर्च या PhD प्रोग्राम में काउंसिल सपोर्ट के द्वारा जुड़ सकते हैं। ये पर मंथ 25,000 का फेलोशिप देते हैं और 20,000 का पर ईयर कंटिजेंसी ग्रांट देते हैं। ये कंडक्ट करती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण डेट के बारे में। तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट 23 अप्रैल को शुरू हुआ है और लास्ट है 27 मई को और इसका एग्ज़ाम है 21 जुलाई को। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सभी जो MA या MSc हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए है MSc या MA इक्विवेलेंट डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC। फॉर SC ST इज 50% और इसका एज लिमिट है 28 ईयर। और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। तो क्या है इसका एप्लीकेशन फी, दिखाए गए कैटेगरी के लिए 800 है और नॉर्मल सभी के लिए 1000 इस फी है। सवाल ये कि क्या सभी MSc या MA एलिजिबल हैं? नहीं। वैसे जो लाइफ साइंस में है जैसे माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इन्होंने एक्सक्लूड किया है और सॉइल साइंस को। इसमें जो दिखाया गया है जिनका MSc इनसे है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा पेपर होता है सोशल साइंस का, इसमें सिर्फ दिखाए गए सब्जेक्ट ही एलिजिबल हैं। इसका एग्जाम में 3 पेपर्स होते हैं, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, लाइफ साइंस और सोशल साइंस। ये कॉमन है सबके लिए। लाइफ साइंस या सोशल साइंस में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना होता है। तो पर साल ये कितना फेलोशिप देती है, ये पर साल 150 फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के लिए होता है और 30 फेलोशिप सोशल साइंस के लिए होता है। इसका मोड ऑफ पैटर्न क्या है, इसके एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट जो सभी के लिए कॉमन है, दूसरा लाइफ साइंस, तीसरा सोशल साइंस। आपको एप्टीट्यूड में सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं और सभी 1 मार्क्स के होते हैं मीन्स 50 मार्क्स के। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कोई एक सेक्शन में से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मीन्स 75 मार्क्स। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। टाइम जो है इसके लिए 2 घंटे का दिया जाता है, मीन्स टोटल आपके पास हो गया 125 मार्क्स, 125 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब बात आती है सिलेबस का कि इसका सिलेबस कैसा है। सेक्शन ए के लिए जो इसका सिलेबस है वो 3 तरह से होते हैं। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि साइंटिफिक फेनोमेना इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं, मैं इसका डिटेल भी दूंगा। इसके बाद होता है जनरल नॉलेज इन साइंस, साइंस में जो जनरल नॉलेज है इसमें मेजरमेंट, न्यूक्लियर साइंस और सिंथेटिक मटेरियल। और लास्ट होते हैं कॉमन स्टैटिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है ICMR के लिए, जिसमें कि दिए गए टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर ओवरऑल एक कॉम्युलेटिव वे में देखेंगे तो आपको सेक्शन ए में कॉमन स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये निश्चित तौर पर पढ़ने चाहिए, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जनरल एबिलिटी के लिए। ना सिर्फ ICMR में, CSIR या अदर एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GA का, उसमें ये सारे टॉपिक कॉमन होते हैं।
ये हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में लाइफ साइंस का क्या सिलेबस है। जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है कि जैसे एज सिमिलर एज द यूजीसी, बट इसका क्वेश्चन अगर आप मैच करेंगे तो ये सीएसआर का क्वेश्चन से मैच नहीं करता कंप्लीटली। तो एक्चुअली क्या अंतर है इसमें। इसका स्ट्रीम है माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस और वेटनरी साइंस। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका सीएसआर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे वेटनरी साइंस इसमें है। तो कुछ टॉपिक थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है और सिमिलर ही है ज़्यादातर। सोशल साइंस का जो टॉपिक है वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ लाइफ साइंस का, क्योंकि हम लोग इसी को टच करने वाले हैं। तो इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करती है और कितने सेंटर्स हैं इसके। इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है इस बार PGIMER, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़। और इसके सेंटर्स हैं बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, वाराणसी। और इसका एग्जाम होने वाला है 21 जुलाई को, जो संडे है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कैसे तैयारी करेंगे इसका, कैसे आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, हमने बात किया है कि सेक्शन ए के लिए आपको स्टेटिक्स पे जोर देना है, कॉमन स्टेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिक्वेंस इन सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, सिलेंडर कौन स्पेयर। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि साइंटिफिक फेनोमेना इन एवरीडे लाइफ, लाइक मेटलर्जी भी आप कवर कर लीजिए, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसको भी कवर कर लीजिए आप। अब बात करते हैं सेक्शन बी लाइफ साइंस की। तो लाइफ साइंस में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है बायो मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन, पैथोजेनिक इन्फेक्शन एंड डिजीज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल काइनेटिक्स। ये 12 ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जिसको आप छोड़कर बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप आईसीएमआर देने जा रहे हैं। अगर आप ये 12 टच नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप आईसीएमआर जाने से पहले इन टॉपिक को जरूर एक बार अपने से रिविजन कर लें। क्या टिक्स और ट्रिप्स है, जैसे कि आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो मास्टर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे आईसीएमआर का अगर प्रीवियस ईयर हो, सीएसआर का, डीबीटी, गेट, टीएफआर। सेक्शन ए के लिए तो ये बेस्ट है। सेक्शन ए में जितना भी इस तरह का मास्टर लेवल का एग्जाम है उन सभी का सेक्शन ए आप कंप्लीट बना लीजिए, आपका सेक्शन ए निश्चित तौर पे बन जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सभी जितना भी क्वेश्चन मिल जाए आपको मास्टर लेवल के एग्जाम का, सबका प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। और आप कोडन बायोलॉजी हमसे जुड़े रहिए अपडेट के लिए। डाउट क्लास होता है यहाँ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है और स्पेशल गाइडलाइन भी दिया जाता है बच्चों को। तो माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो छूटे नहीं। और अगर आप हमें टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाय टेरा टेस्ट सीरीज हमारा है, सीएसटी टेस्ट सीरीज तो चल रहा है अभी, लास्ट बैच जो है वो 20 मई को शुरू होने वाला है टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आईसीएमआर का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट बैच शुरू होगा 21 मई को और सेकेंड बैच शुरू होने वाला है 18 जून को। डिटेल जानकारी इसका, अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं biotera.test@gmail.com या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9471455844 पर। क्यों बायोटेरा टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, दूसरा मॉक टेस्ट होते हैं। उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, डाउट क्लियरेंस का क्लास लिया जाता है टेस्ट के बाद, और इजी कम्युनिकेशन है, अगर जरूरत पड़ा तो व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बहुत ही इजी कम्युनिकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी, शेयर द वीडियो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।